તને નહીં ગયા છે રૂમ ઉપર કરો રૂમ ઉપર કરો મેરે હાથ પે રૂમ ઉપર કરો બસ मैं तो वैसे ही राहुल का फैन हूँ और द प्रोमोज आर सो गुड. मुझे बहुत मज़ा आया प्रोमो देख के और मैं इतना क्यूरियस हूँ देखने के कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. और कश्मीर की वादी में दो ऑफ कोर्स यार क्या कमाल है और क्या क्या रोमांस दिख रहा है प्रोमो में, क्या जुनून दिख रहा है. एंड आई थिंक राहुल जो भी काम करता है बहुत कमाल का करता है. एंड दे बोथ आर ब्यूटीफुल एक्टर्स एंड आई एम श्योर कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया होगा. एंड कश्मीर में एक अलग सा रोमांस होता ही है. कश्मीर की वादियों में अलग सा एक हल्का सा रोमांस और पैशनेट रोमांस होता है ना. सो आई एम होपिंग एंड प्रेइंग दैट आई एम श्योर कि इसमें होगा और मुझे बहुत मज़ा आएगा. Project is also coming up. So would you like to say something about your project? मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और मैं उसमें इतना बता सकता हूँ कि बहुत दिल से मेहनत कर रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि जैसे मैं सबको एंटरटेन कर पाता हूँ ऑडियंस को, वैसे ये भी बहुत एंटरटेनिंग होगा. और बहुत 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 मेहनत लगी है प्रोजेक्ट में. और इट्स अ वेब सीरीज एंड आई हैव बीन वर्किंग ऑन इट पास 1.5 ईयर्स नाउ एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. भगवान करे कि सबको पसंद आए. मैं बस ये बताना चाहूँगा कि आप ये देखें और फिर आपको पता चलेगा कि किस टाइप का रोल है. लेकिन बहुत अलग है, बहुत यूनिक है और मैंने ऐसा काम पहले नहीं किया और इतनी मेहनत भी मैंने पहले किसी प्रोजेक्ट में नहीं की. फैंस को मैं बस यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि ये मेरा कोशिश है कि ये मेरी ऐसी कोशिश थी कि मैं एक ऐसा काम करूँ कि जिसमें कोई भी मुझे पहचान ना पाए और वो बिल्कुल अलग हो, शालीन बिल्कुल अलग हो. तो इसमें मुझे लगता है कि ऐसे बिल्कुल अलग सा अवतार में देखने को मिलेगा. राज अलीशा जी, अलीशा जी, अरे घूम हटाओ घूम हटाओ यार. हाँ अरे एक मिनट रुको यार. मैम सेंटर एक सेकेंड, ये वाला कैमरा. अलीशा जी ये कैमरा इधर से देखा नहीं. अरे लाइट फोन कर रहा है. इधर से स्टार्ट सेंटर से. अरे कैमरा 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 कौन है? राज चलेगा. मैडम जी यहाँ पर ये वाले कैमरा में एक बार ठीक है बात आगे. इधर नहीं मिला ना. थैंक यू मैम. द ट्रेलर लुक्स वेरी अमेजिंग. जो जिस तरह का रिस्पॉन्स आया काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया और 14 को रिलीज होने वाली है. कितने ज़्यादा एक्साइटेड पहले हूँ? बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि जो ट्रेलर रिलीज हुआ है यू नो एवरीबडी इज बिन गिविंग पॉजिटिव फीडबैक अबाउट इट और सब ऑडियंस को पसंद आ रहा है, व्यूअर्स को पसंद आ रहा है और यू नो अदर माई फ्रेंड्स फ्रॉम इंडस्ट्री इवन दे आर रिवर्टिंग वेरी पॉजिटिवली. एंड आज हमारा प्रीमियर है तो बहुत एक्साइटेड हूँ, थोड़ी सी नर्वस भी हूँ बिकॉज यूजुअली अदरवाइज व्हेन यू वॉच अ प्रोजेक्ट एंड आप यू नो जब ओपनिंग देखते हो तो ठीक है आप देखते हो बट व्हेन यू हैव पीपल अराउंड यू एंड यू नो एवरीबडी इज़ अ क्रिटिक एट दैट टाइम सो यू गेट अ चांस टू विटनेस सबके जो रियल एक्सप्रेशंस हैं. सो आई रियली विश एंड होपिंग फॉर द बेस्ट. आई विश सबको पसंद आए
और 14 फरवरी को रिलीज हो रही है इश्कियात, आप सब ज़रूर देखिएगा। वैलेंटाइंस वाले दिन आ रही है, प्यार की कहानी है और यू नो जस्ट फिंगर्स क्रॉस राइट नाउ। द केमिस्ट्री लुक्स रियली गुड, टेल अस समथिंग अबाउट द केमिस्ट्री। थैंक यू। ज़्यादा क्या कहूँ, आई थिंक इट वॉज यू नो वेरी कोइंसिडेंट कि हम एक ही मतलब यू नो हमने एक शो किया है, अलग अलग सीजन्स किए हैं एंड देन वी केम टुगेदर एंड यू नो वी डिड अ प्रोजेक्ट इश्कियात। आई न्यू राहुल पहले से बट वी डिड न्यू ईच अदर पर्सनली, लाइक यू नो कभी मिल गए अवार्ड शो में वी न्यू हाँ ठीक है कौन है, बट ऐसे कभी पर्सनली नहीं जाने का मौका मिला था। बट दिस टाइम वी वर्क टुगेदर एंड इट वॉज ग्रेट वर्किंग विद हिम और अच्छा यू नो सब कुछ हमने बहुत अच्छे से शूट किया, बहुत मजा आया एंड एवरीबडी इज़ लविंग इट, एवरीबडी इज़ लविंग द केमिस्ट्री इज़ वेल, सो आई विश इट वर्क्स फॉर आवर स्टोरी इज़ वेल। काफ़ी अलग ही नज़र आ रही है आपकी सॉन्ग में, कश्मीरी गर्ल के इसमें, तो कैसा लग रहा था, क्या चैलेंजेस लगा आपको इसमें? दिस टाइम ये जो मेरा कैरेक्टर है ये एक्चुअली बहुत अलग है, हीर इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट टिल नाउ आई हैव पोर्ट्रेड इन अदर प्रोजेक्ट्स इन एज अदर कैरेक्टर्स। हीर इज़ समथिंग डिफरेंट, शी इज़ यू नो अ बबली गर्ल, अ चर्पी गर्ल, जो मैंने शायद अभी तक मुझे ऑडियंस ने किसी कैरेक्टर में इस तरह से नहीं देखा है। एंड यू नो शी इज़ कश्मीरी मुस्लिम इज़ वेल, और वो उसके बात करने के तरीके से भी समझ में आएगा, लेकिन शी इज़ इन हर ओन लाला लैंड, प्यार में है और दीवानी है और देखते हैं आगे क्या होता है। एक इमोशनल जर्नी है हीर और कबीर की, विद ऑल द अप्स एंड डाउन्स, विद ऑल द फीलिंग्स, आई एम श्योर एवरीबडी विल लव इट, क्योंकि सिर्फ प्यार की कहानी नहीं है, इट इज़ वे बियॉन्ड दैट। इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने दिखाई हैं, जो इनोसेंट पीपल को कई बार उन जगहों में फील, एंड यू नो दिस इज जस्ट एवरीथिंग पुटिंग टुगेदर, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एंड व्हेन यू डू अ शॉर्ट मूवी यू हैव अ फ्यू टाइम, सो वाज इट डिफिकल्ट फॉर यू और इट वाज अ चैलेंजिंग टू डू दिस? इट वाज चैलेंजिंग आई कैन से, क्योंकि you know we shot this in 2 to 3 days in Manali and places like that in north. बहुत ठंड थी, दिसंबर में शूट किया है तो यू नो स्नोफॉल वाज आल्सो देयर, बीच बीच में ठंड बहुत ही माइनस में टेम्परेचर था, सो थोड़ा चैलेंजिंग था और बहुत कम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम था, बट उसमें बहुत कुछ हमें बताना था, बहुत कुछ कहना था, सॉन्ग था एंड यू नो देयर वर अदर थिंग्स इज वेल, बट वी डिड आवर बेस्ट। और बहुत मज़ा इसलिए भी आया क्योंकि इट वॉज माई होम टाउन, आई वाज शूटिंग इन हिमाचल, सो या तो मज़ा आया है, अब देखते हैं ऑडियंस को कितना मज़ा आता है। एंड व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू? Positive one, definitely positive one. फिलहाल तो यही सोच रही हूँ कि आज तक अभी तक जैसे हमने देखा है सबको ट्रेलर बहुत पसंद आया है, आई रियली विश फिल्म भी बहुत पसंद आए, और बहुत ही सिंपल सी प्यार की कहानी है लेकिन अलग तरीके से, अलग नज़रिए से सुनाई गई है। आई एम श्योर एनी बडी एंड एवरी बडी विल बी एबल टू रिलेट टू इट और सबको पसंद आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलो okay so the trailer was quite amazing man, so what do you want to say about the trailer? Look center I want to first of all congratulate her क्योंकि ये deserve करती है, because everything whatever she does, जितना भी मैंने भी इसके साथ काम किया है, जो trailer देखा है, जो भी है, तो ये बहुत एक तो honestly काम करती है, बहुत hard working है और बहुत ज़्यादा मन से करती है, मतलब अपने पूरा जितना भी इसमें 100% दे सकती है ना देती है। yes thank you ma'am, what do you want to say, your real mom is here? Arey she's my adorable mom, hum jitni baar milte hain na she gets more younger every time और शी लुक सो प्रिटी एंड सो ब्यूटीफुल एंड बिकॉज़ आई हैव अ मॉम एंड
And I'm so happy you joined us here today. I'm so glad because this was actually the idea ki hum agar premiere rakh rahe hain and it's the first look of the film, we will be watching it. So we wanted, you know, the people surrounding us have to be the very close ones and, you know, who can actually give all the positive vibes for the film and to us. And it was a movie, so I had to be here. I love you. And the look, your look, ma'am, made it quite amazing. How did you feel? You've seen the trailer, yes, yes, I've seen the trailer. Look, I mean, वैसे मैं God's grace ही वैसे बहुत pretty है. तो इसमें मतलब look का तो आप पूछे मत. Any look looks good on her actually. मैं क्या बोलूँ उसके बारे में? Because even in IMMJ में भी जो है whatever looks she used to take बहुत अच्छे से बहुत ही authentically उन looks को carry करती है. इसमें हमने कितने disguise हाँ कितने disguise किया क्या क्या किया. We are waiting to watch the movie actually. Center look. Wait. Please silent. Have you watched that trailer, right? Silent. पहले पूछ लेती हूँ नहीं नहीं अपना घूम चलो ना विशाल ट्रेलर के लिए मैं इतना ही कहूँगी कि बहुत ही प्रिटी ट्रेलर है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है आपको ये वैसे ही हिमाचल की है और उसे रोल भी वैसा दिया गया है परफेक्टली सूट कर रहा है अलीशा पर सो ऑल द वेरी बेस्ट अलीशा रियली नाइस थैंक यू की केमिस्ट्री कैसी बहुत अच्छी एक्चुअली आई वॉज रिफ्लेक्टिंग शॉक इश्क में मर जावा 102 जो मर्जर हुआ है ना ये बहुत अच्छा था और ये थोड़ा ना अलग ही था अचानक ये कैसे हो गया जो दोनों उसमें एंटागनिस्ट बहुत खतरनाक वाले बने थे वो दोनों ही इसमें कुछ अलग ही रूप में नजर आ रहे हैं साथ में सो वो देखने में मुझे मजा आया ट्रेलर में एंड आई होप कि अब हम जब आगे देखेंगे पूरा मूवी तो और मजा आएगा उसे देखने में And the screening is here. So how are you looking forward for the screening? Amazing, actually. I'm waiting. मैं बहुत time से wait कर रही हूँ कि हाँ आप देख. Because मैं एक actually हम लोगों का ना एक short movie जो मेरा start हुआ था last year. वो मेरा तो अब तक release नहीं हुआ है और अलीशा का already 3 आ चुके हैं. तो मैं अलीशा से हमेशा ये पूछती हूँ कि ना अपने producer और director का number मुझे भी दो जरा कि मैं अपने director को बोलूँ कि please इसे release करो. So I'm actually looking forward कि अब ये कैसा नया आया है. I'm very nervous क्योंकि very honestly मैंने भी नहीं देखी है पूरी फिल्म रॉ भी नहीं देखा है मैंने तो for me also this is the first time I'll be watching the whole film and nervous हूँ excited हूँ क्योंकि you know this time when we are watching it we have people around us and you know it'll be very instant reaction yeah we can get those instant reactions ki you know do they like it or whatever so, I hope everybody loves it सो इश्किया शॉर्ट फिल्म वैलेंटाइंस डे पे रिलीज हो रही है 14 फरवरी आप सब जरूर देखिएगा यूट्यूब पे एंड आई एम श्योर यू ऑल विल लव इट सबकी मेहनत होती है सब टीम वर्क शूट बहुत अच्छा हुआ है और गाना बहुत अच्छा बना है तो ये है हमारे साथ सबसे पहले मैं बताती हूँ कृष्णा जी जिन्होंने गाना गाया है इश्कियाज जो कि बहुत खूबसूरत गाना है आई लव इट और ये हमारे डायरेक्टर सर हैं कैप्टन ऑफ द शिप लैंगला वन से सर इसी बात पे खा नहीं पाए स्टोरी इज लवली लेट मी टेल यू सर गाना काफी कमाल का लग रहा है क्या कुछ कहना चाहोगे गाने के बारे में
गाना जब इन्होंने मेरे से डिस्कस किया तो हमने बात करी कि बैकड्रॉप जो है कश्मीर का है, तो आई सजेस्टेड कि हम सूफी कुछ ऐसा इस तरीके का रेंडिशन करें इसमें, वैसा कुछ तो सुदर्शन दास करके हैं कोलकाता में, उनसे हमने कॉम्पोजिशन ली, बहुत ही बेहतरीन कॉम्पोजिशन बनाई उन्होंने, सोहम मजुमदार ने लिखे हैं इसके लिरिक्स। तो हाविदा है जो इश्क की मैं की रातें, बिन कहे तूने कह डाली ढेरों बातें, राजदा तू जो आंखों के ना हो रूबरू, हाल दिल मेरा कैसे अब बयां मैं करूं। सिंग विद मी। मेरी अर्जियां मेरी मन मर्जियां, मेरा इश्किया है बस तू। इतना बड़ा स्पीच पे आप लोग नहीं जा सकते, हम जाएंगे तो गाना खराब हो जाएगा आपका। थैंक यू सो मच। आने वाला है वैलेंटाइन गिफ्ट हमारी तरफ से सबके लिए, हमारे लिए, हम सिंगल लोगों को। तो जो एक्चुअली जो सिंगल लोग हैं ना, वो घर पे बैठ के इश्किया देख सकते हैं वैलेंटाइन डे पे, इफ यू डोंट हैव एनी प्लान्स येट। इन लोगों ने बिल्कुल अच्छे से हमारे बारे में सोचा है। अच्छा, कैसी लग रही है ये? हमेशा ही अच्छी लगती है और इसमें और ज़्यादा अच्छी लग रही है, शी इज माई फेवरेट। बहुत अच्छी लग रही है, दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं साथ में। मतलब मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा था तो मैंने आई थिंक इनको मैसेज भी किया था, मैंने इनको बोला था यू गाइस लुक परफेक्ट। या बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। थैंक यू।
अरे इतना आगे चलो रोलिंग आ जाओ सर आप भी हो सर इंपॉर्टेंट पेपर पे जब कुछ लिखते हैं और जब ऐसे स्क्रीन पर नजर आता है तो बहुत ब्यूटीफुल लगता है सो आई एम श्योर इट्स अ वेरी सेंस ऑफ ग्रेट सेंस ऑफ कंप्लीशन दैट ही वुड बी हैविंग एंड आई एम श्योर विद अस विद हिम मी एंड अलीशा वुड आल्सो बी हैविंग द सेम एक्सपीरियंस सो आई एम वेरी ग्लैड दैट्स हैपनिंग केमिस्ट्री जो है वो ऑर्गेनिक है और क्योंकि कार्बन नहीं है उसके अंदर बिल्कुल भी सो या आई थिंक इट्स अ वेरी ऑर्गेनिक शूट करते टाइम अच्छी बात है शूट करना ही अच्छी बात होती है फनी मोमेंट बहुत सारे होते हैं जहाँ पे मैं होता हूँ इट इज़ अ फनी स्पेस टू बी इन और ऑब्वियसली सर भी साथ थे तो हमने अलीशा का बहुत मजाक उड़ाया एंड वी आर वेरी ग्लैड दैट वी वर एबल टू डू दैट ये पक्का मेरे से पीछे ही हुआ होगा सर नहीं नहीं सामने भी दिस इज द नाइस क्वेश्चन अलीशा का गेटअप कभी अच्छा हमेशा ही अच्छा होता है but she takes a lot of time to get ready so I'm glad that she's come on time today so I'm sure she started I in the morning I was on time you are late as usual late cheers to that set pe late kona set pe late Alicia set pe koi late nahi set pe koi late koi late nahi kyunki sab log already wahi pe the sabko pata hai dono ko saath leke kaise chal raha hai no but it was so funny because when you're shooting and it's a tight schedule we were more excited hum pehle hi ready sir kahan hai sir shoot kare kya sir keh rahe hai ruk jao camera to aane do yaar Whenever you do a short movie, it is like short period of time. So was it difficult for you or it was a challenging time for you? So, आपका क्वेश्चन सेम ही है अगर चैलेंजिंग है या डिफिकल्ट है तो एक ही बात है बट यस इट वाज एक्सट्रीमली चैलेंजिंग इट पुश्ड अस बियॉन्ड आवर बाउंड्रीज बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट एंड आई होप एंड विश दैट वी आर एबल टू अचीव व्हाट वी वांटेड टू अचीव विद द फिल्म व्हाट काइंड ऑफ रिस्पांस यू आर लुकिंग फॉरवर्ड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ गुड रिस्पांस आई विल टेल यू व्हाई बिकॉज आई थिंक द स्टोरी इज बूमबास्टिक एंड द सॉन्ग्स आर बूमबास्टिक द म्यूजिक इज ग्रेट कृष्णा सर ने बहुत अच्छे से गाना गाया आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम And I'm lovely. And the song is really beautiful. It it really sticks to your heart, and I hope that it you know gets the adulation it deserves. Sir, साथ में चारों जगह नहीं जोड़ा। थैंक यू क्यों बोलते हैं हो गया ना थैंक यू थैंक यू अरे रुको थैंक यू ऐसा ऑनलाइन कर हुआ सर सर यहाँ पे जी सर बोलो भाई इधर उसको मत देख जो कोविड ने बंद कर दिया मेरी गुड़िया अभी मेरी गुड़िया छोटी सी गुड़िया
100% देखा ये ट्रेलर. नहीं नहीं यार ऑब्वियसली यू सेंड मी ऑन माय व्हाट्सएप. 100% देखा है. और अच्छा ये नहीं बोलना था ये नहीं बोलना था सॉरी कट. नहीं बट एनीवे लुकिंग एट द सिनेरियो यस आई सॉ द वीडियो एंड शी इज एब्सोल्युटली लुकिंग प्रिटी एंड ब्यूटीफुल लाइक ऑलवेज. यू हैव मतलब मेरे साथ काम करने के बाद ग्लो बढ़ गया है तो अभी झलक रहा है. शी इज ब्यूटीफुल एवरीवन नोज दैट एंड यस लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द शो. ऑल द बेस्ट मैम. हाउ डज इट फील योर पोस्टर इज अच्छा लग रहा है. हम बहुत वक्त बाद मिले एक्चुअली के बाद हम अब मिले. सो यू नो द होल 1 ईयर वाज कोविड. आई वाज इन लॉकडाउन. ही वाज इन इंदौर. ये मैडम लुक की तो रानी है ये. मतलब कौन सी लुक में क्या आ जाए. जो उन्होंने पिछला भी जो शो किया था मेरे साथ ही उसमें इनके एक दो लुक थे और उसके पहले द वन विच यू डन कलर. सो आज ही आलिशा बन के आई. आलिशान आलिशा बन के आई. Yes, I have a great music album coming up. That is, that will be in a week's time or something. That's in Bengali. Yeah, I actually saw you. Yeah, and sung by Arman Malik. So looking forward for that. So hoping to receive all your love and blessings. Sorry. Looks ke baare mein. Looks ke baare mein matlab usme there are three looks. But ha, ek sincere padaku. Not nerdy, but ek sincere hai, which is unlikely for her. But yeah, this is what you guys will be loving. No, I'm just thankful to everybody and jitna bolo utna kam hai till after all these circumstances and situations that we've been through. You guys are always connected with us on our social media, which is really great. And yes, waiting to receive your love and blessings and good wishes for all the upcoming projects. And lastly, aap meri pyari guriya ko kitna miss karte ho. मेरी प्यारी गुड़िया को इतना प्यारा गुड़िया है. ही बिकेम ही गॉट द ब्लेसिंग ऑफ बीइंग अ फादर व्हाइल ही वाज डूइंग मेरी व्हाइल व्हाइल आई वाज एंड ही बेबी इतना बड़ा हो गया है. ही ऑलमोस्ट बोर्न ऑन द डे शो केम ऑन. सी सी तो इनको मेरी गुड़िया करते करते मेरा गुड्डा मिल गया. मेरा गुड्डा मिल गया था. सी दैट दिस इज आल्सो डेस्टिनी ऑफ दिस. So yes, thank you very much guys. Thank you so much. All the best. Thank you. Do watch Ishkia on 14th February, yes, everybody. 14th February. So you guys have a Valentine's Day coming up. Yeah.